विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल, तो आइए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक सेठ, ही इज चेयरमैन फोर्टिस स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश सागर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एंड डॉक्टर मोहसिन वाली, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम सर गंगाराम हॉस्पिटल। आज का जो खास पैनल है, उन सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सेहत की, आपकी सेहत की, हमारी सेहत की, हम सबकी सेहत की। इसलिए सेहत के प्रति जागरूकता के लिए जानकारी बहुत जरूरी है, और जानकारी के लिए आवश्यक है प्रश्न पूछना। तो आइए विशेषज्ञों से ये जानें कि स्वस्थ रहने के लिए क्या कुछ जरूरी है, और वो तमाम आदतें जो हमें लगता है कि कुछ अच्छी हैं, क्या वो सेहत के लिए वाकई इतनी उपयोगी हैं या नहीं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में समझते हैं। डॉक्टर वाली, सबसे पहले हम आपसे समझें कि प्रिवेंटिव हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक हमने ये सुना कि कोई व्यक्ति बीमार होता है, समस्या हुई तो डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन अब बात हो रही है कि समस्या हो ही ना, प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में बात करना क्यों और कितना जरूरी है। देखिए, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने नए साल की शुरुआत एक अच्छे नोट से की, एक अच्छे टॉपिक से की, एक अच्छे प्रोग्राम से की। आपका जो लोगो है, इसमें जो टोटल हेल्थ के नीचे स्माइली बनी हुई है, अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए चंद्राकार स्माइली को, तो वो डिजीज बन जाती है। इसको सीधा रखने के लिए ही ये पूरा प्रोग्राम जो आज हम करने जा रहे हैं वो है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम बीमार ना हों। जो बचपन में पढ़ाया जाता था कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय, और जो दुख में सुमिरन, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो जब हम हेल्दी रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। और हेल्दी रहने की जो सबसे बड़ी टिप्स है वो ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हेल्दी होते हैं, हम अपने को खुद बीमार कर लेते हैं ओवर द ईयर्स, या तो जवानी में कुछ गलतियां करते हैं या उसके बाद की मिडिल एज में करते हैं, तो वो सब उनका इफेक्ट जो है वो हमारी एंड स्टेज पे या बुढ़ापे में या पोस्ट मिडिल एज में आता है। जी, मैं आपको मिसाल दूं, एक यंग बच्चा क्लास में 11वीं क्लास में सिगरेट पीने लगता है, ग्रेजुएशन में अल्कोहल लेने लगता है, उससे और बड़ा हो जाता है शादी के बाद, रोज बाहर खाना खाने लगता है, तो ये तीन चीजें अगर वो करने लगता है तो मैं श्योर हूँ कि 30-35 की उम्र में वो डॉक्टर सेठ के पास चला जाएगा, और डॉक्टर सेठ उसको स्टेंट लगा देंगे, और उसके 5 साल बाद दोनों मियां बीवी डिप्रेशन का शिकार होकर सर के पास चले जाएंगे। तो ये हम खुद अपने को बीमार करते हैं, इसलिए हमें ये हक है पूरा कि हम अपने को बीमारी से रोकें। इसके लिए मैं नए साल में आप लोगों को तीन चीजें का वो देता हूँ, तीनों सफेद चीजों से दूर रहना है। पहली सफेद चीज है नमक, दूसरी सफेद चीज है चीनी, और तीसरी सफेद चीज है ये वनस्पति घी। तो इन तीन दुश्मनों से अगर हम 2019 और आगे बचे रहेंगे तो शायद हमको कम से कम डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। और देश हमारा जो है इतना समृद्ध है और इतना वो नहीं है कैपेबल कि हम अपनी गलतियों का इलाज सरकार से कराएं जी। और हम जैसे कि अभी विज्ञापन भी आ रहा था आपके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, तो उसमें था कि अब गरीबों को दिया जा रहा है बेनिफिट, तो इनडायरेक्टली हमें खुद अपने को स्वस्थ रखना है, ये इसमें छुपा हुआ मैसेज था। तो ये जो आपकी टोटल हेल्थ की स्माइली है, हम चाहेंगे कि इसका जो चांद है वो ऊपर ही की तरफ रहे और इसकी स्माइली बरकरार रहे, तो उसके लिए बड़ा मैसेज ये है कि हम अपने को सुरक्षित, स्वस्थ और स्वस्थ जो है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तीनों हेल्थ जो है, और मैं तो आपके कई प्रोग्राम्स में ये भी कह चुका हूँ सेक्सुअल हेल्थ भी इसमें ऐड कर देते हैं, इसके लिए हमको जो है एक अनुशासन की जरूरत है जिसकी हम आगे बात करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। डॉक्टर अशोक सेठ, ये जो बात आई कि बहुत सारी ऐसी आदतें जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं और उसके बाद एक विशेष साइकिल में चले जाते हैं कि पहले बीमार पड़े, उसके बाद उस बीमारी का इलाज करवाएं, आप एज अ मेडिकल एक्सपर्ट क्या बड़े खतरे देख रहे हैं और आने वाले समय में कहां देखते हैं शायद, जिसमें आपको ये लगता है कि आज प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में बात करने की जरूरत और अपनी सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। देखिए, वी ऑलरेडी रियलाइज, हमें पता है कि हार्ट डिजीज बढ़ती जा रही है, स्ट्रोक्स बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज और हाइपरटेंशन बढ़ती जा रही है, ये सबसे बिगेस्ट किलर्स हैं। अभी अगर आंकड़े दिखाए जाएं तो ये है कि वर्ल्ड की 50% डेथ हिंदुस्तान से हो रही है, सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज यहीं पे है, मेंटल इलनेसेस बढ़ती जा रही है, स्ट्रोक्स बढ़ते जा रहे हैं,
25-30% पॉपुलेशन तो हाइपरटेंशन से सफर कर रही है जी। अगर हमने इससे बचना है तो ये सोचिए कि ये जो 50% हम कहते हैं कि यंग लोग हैं लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज, ये जब पहुंचेंगे 45 साल में तो ये आंकड़े इससे ज़्यादा भी बढ़ जाएंगे। बिकॉज यही एक हम लोग तो फिर भी उन उस टाइम पे रहे जहाँ पे हेल्दी लिविंग थी जी। अब वो हेल्दी लिविंग पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई है। आप देखते हैं कि लाइफस्टाइल टोटली बदल गई है, टाइम नहीं मिलता, लोग स्ट्रेस से कंपिटिटिव वर्ल्ड में चल रहे हैं, हेल्दी लिविंग का एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, टीवी लैपटॉप्स के सामने ज़्यादा टाइम गुजरता है, स्मोकिंग और अल्कोहल बढ़ते जा रहा है, मेंटल सोशल एंड फिजिकल वेलबींग खत्म होती जा रही है। तो इसीलिए अब प्रिवेंशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी हम कहते हैं कि हम ट्रीटमेंट करा लेंगे, बाद में हमें डिजीज प्रोसेसेस बढ़ती जा रही है, अपने ऊपर आ रहे हैं, ये हमारी फैसिलिटीज ही नहीं हैं और उसमें एक्सपेंसेस देखते हैं तो हम देखते हैं कि 70% लोगों के पैसे ट्रीटमेंट में खर्च हो रहे हैं। और यही अगर प्रिवेंशन हो जाती तो प्रिवेंशन तो एक बहुत ही चीप सस्ता तरीका है हार्ट डिजीज प्रोसेसेस से बचने का, और स्पेशली हार्ट डिजीज से बचने का। तो इनफैक्ट क्यों ना वो प्रोसेसेस किए जाएं जिसमें कि ये हम लाइफस्टाइल और पूरी अपनी खाने का ढंग, एक्सरसाइज वगैरह ला के हम अपनी डिजीजेस प्रिवेंट करें जी। और प्रिवेंट करने में हमारा काम सस्ते में ही खत्म हो जाता है, रादर देन हम अपनी 70% अपनी पे ट्रीटमेंट में बाद में खर्च करें जी। तो क्या कुछ उसके लिए होगा आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजेश सागर, जब भी हेल्थ की बात आती है तो सबसे पहला ध्यान होता है कि आपको क्या खाना है, एक्सरसाइज करनी है और सेहतमंद रहना है। यानी सेहतमंद का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ से लिया जाता है, हेल्थ के अंदर मेंटल हेल्थ को इंक्लूड करना यानी मानसिक रूप से व्यक्ति कितना स्वस्थ है कितना जरूरी और आवश्यक आप मानते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे खुशी है कि पैनल में हम चर्चा कर रहे हैं साल के शुरुआत में, जिसमें मेंटल कंपोनेंट को भी अहमियत दी गई है और बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम हेल्थ की परिभाषा जो WHO की है उसमें वेलबींग फिजिकल मेंटल एंड सोशल है, और ये बात सही है कि सारा जो ध्यान वो फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा रहता है। आप किसी से कहें आपने मेडिकल करा लिया अपना तो वो कहते हैं कि सिर्फ फिजिकल पे ही उनका चेकअप होगा, लेकिन वो मेंटल जो शब्द है उससे, और उसके भी कई कारण हैं जो चर्चा करेंगे, क्योंकि मेंटल इलनेसेस का स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को हमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता है। और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले सालों में ये देखा गया है, WHO जो कहता है कि मेंटल इलनेस का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल है, हालांकि वो भी रहेंगी, लेकिन NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और मेंटल इलनेस, और आंकड़े के रूप में कह सकते हैं कि जो बर्डन है जो डिप्रेशन का वो नंबर 2 हो जाएगा आफ्टर इश्कीमिक हार्ट डिजीज, और भी जो 10 टॉप जो डिसेबिलिटी की बीमारियां हैं उसमें 5 जो हैं साइकियाट्रिक कंडीशंस हैं, जिसमें स्किजोफ्रेनिया, साइकोसिस और ये सारी डिप्रेशन, ये सब बीमारियां हैं। जो कहने का मतलब, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो हम माइंड और बॉडी को अलग अलग समझते हैं, क्योंकि डॉक्टर सागर आंकड़े ये भी बताते हैं कि 20-30% ऐसे लोग जिनको किसी तरह की क्रॉनिक डिजीज रही है उनको साथ में मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल हेल्थ भी उनकी अफेक्टेड होती है। तो ये माने कि जो फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है उनका आपस में संबंध है, बहुत ज़्यादा संबंध है जी। यही हम बता रहे हैं कि फिजिकल, जब हम माइंड बॉडी की बात करते हैं वो दो अलग नहीं है, वो दोनों यूनिटरी है, दोनों एक है। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति, अगर ये देखा गया है कि जिसको इवन मेडिकल इलनेसेस भी होते हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज है, डायबिटीज़ है, तो उसमें देखा गया 20-30% उनको साइकियाट्रिक इलनेस भी होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, और ये देखा गया है कि उसका जो आउटकम है फिजिकल इलनेस का भी खराब हो जाता है। कहने का मतलब है कि जिसको डिप्रेशन है तो वो अपना एक्सरसाइज करना बंद कर देगा, लोगों से मिलना बंद कर देगा, दवा पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा, डॉक्टर के पास जाना बंद कर देगा। तो ये रिसर्च शोध ही कहता है कि जिस व्यक्ति को हार्ट की बीमारी भी है और डिप्रेशन भी है तो उसका आउटकम उतना ही खराब हो जाता है, मोर्टैलिटी उतनी ही बढ़ जाती है, और ये सारी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है इसको नजरअंदाज करते हैं। और एक भी बात बताना बहुत जरूरी है कि साइकियाट्रिक इलनेस में एक चीज हम कहते हैं लैक ऑफ इंसाइट होती है।
मुझे मालूम है कि मेरे चेस्ट में पेन है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन साइकियाट्रिक इलनेस ऐसी है जहां पे उसे खुद नहीं मालूम होता कि मुझे ये बीमारी की जरूरत है और मुझे इसका इलाज कराना है, और इसीलिए जो इलनेसेस जो है बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और कभी कभी वो उसका नतीजा बहुत भयानक भी हो जाता है। सुसाइड जो हम मालूम है देश में इतने बढ़ रहे हैं, और कहने का मतलब ये है कि इसको हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक फ्रेज यूज करते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कहने का मतलब है, और ये गलत धारणा है ये अगर हम कह रहे हैं साइकियाट्रिक इलनेस का प्रिवेंशन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, जिसकी चर्चा करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती हैं इवन साइकियाट्रिक इलनेस को, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए। जी, प्रिवेंशन पर विस्तार से आपसे बात करेंगे डॉक्टर वली। ये जो बात आ रही है कि बचपन से आपने कहा कि जब जन्म होता है बच्चे का तो अमूमन वो स्वस्थ होता है, लेकिन धीरे धीरे आदतों में जो बदलाव है वो उसको बीमारी की तरफ ले जाता है। चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बड़ी समस्या के रूप में हम सभी के सामने है, कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं इसे स्वास्थ्य के लिए और क्यों बढ़ रही है ये समस्या? दोनों हैं, चाइल्डहुड ओबेसिटी भी है और माल न्यूट्रिशन भी है। अगर आप किसी स्कूल के क्लास में जाएं और उसमें 50 बच्चे हों तो आपको 20 बच्चे तो बहुत दुबले मिलेंगे और करीब 25 बच्चे जो हैं एक अच्छे स्कूल में अगर आप जाएंगे जो खाते पीते लोगों के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं तो उसमें ओबीज मिलेंगे आपको 50 में से 25, 26, 27 बच्चे जी। और बाकी आप ढूंढते रह जाएंगे कि एक हेल्दी बच्चा जो बाई डेफिनेशन हेल्दी है वो मैं कहाँ से लाऊं, एक दो ही मिलेंगे। तो क्या हो रहा है, हमारी जो डाइट है और एक्सरसाइज है उसका जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। घर में माँ बाप को टाइम नहीं है, बच्चे क्या खाएं, बच्चों को क्या स्कूल में लंच बॉक्स में दिया जाए, बच्चों को हम बाकी उनका जो वक्त है घर पे कैसे इस्तेमाल करें, उनको कैसे मोटिवेटेड रखें। अब हम लोग साइकिल पे स्कूल जाते थे, अब कोई बच्चा साइकिल पे स्कूल कहाँ जाता है, गाड़ियाँ हैं या फिर और दूसरे ट्रांसपोर्ट के मेजर हैं, गाड़ी में बैठे वर्क ऑफिस आ गए, क्लासरूम आ गए, उसके बाद क्लासरूम से बस में या गाड़ी में बैठे घर चले गए, फिर अपना रूम में चले गए। अब रूम्स हैं, अब घर नहीं है, रूम्स होते हैं, रूम्स में बच्चा क्या कर रहा है। मैं 90% माँ बाप से पूछता हूँ कि आपके बच्चा क्या करता है दिन में घर पे, तो वो बता नहीं पाते हैं। वो क्या करता है, फोन में लगा रहता है, लैपटॉप पे लगा रहता है, या टीवी पे गेम देखता रहता है, या आजकल गेमिंग एक नई बीमारी आई है, गेमिंग फोन्स आ रहे हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर हाई एंड फोन्स। तो वो सारे दिन बच्चा बैठा रहता है और वहीं बल्कि कहता है अपने काम वाले से, नौकर से, कि भैया खाना मेरा यहीं ला दो। तो कहाँ गई एक्सरसाइज, वो पहला पीरियड व्यायाम का जो स्कूलों में होता था वो कहाँ गायब हो गया, वो लॉन्स कहाँ चले गए, वो कबड्डी कहाँ चली गई, वो खो खो कहाँ चला गया, वो पाटेका लड़कियाँ आप लोग खेलते थे बचपन में वो कहाँ चला गया। हम ये तरक्की की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम एक बहुत बड़े तनज्जुल की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स ए हेल्थ डिक्लाइन, इट्स एन एटीट्यूडनल डिक्लाइन, एंड इट इज़ ए डिक्लाइन ऑफ यूजिंग आवर 24 आवर्स लाइफ, एंड वी आर प्लेइंग ए गैम्बल विद द डेथ। इसीलिए डॉक्टर साहब ने जैसे बताया सुसाइड्स आर वेरी कॉमन इन यंगस्टर्स। जब दिल्ली में आपने सुना था पिछले सालों में मेट्रो के से कूद कूद कर लोग, और हर दूसरे तीसरे हफ्ते खबर आती रहती है कि एक सुसाइड हो गई। बड़े शहरों में तो बहुत ज्यादा होती है, पहले हम लोग को कभी नहीं सुनने को मिलता था सुसाइड के लिए। डॉक्टर वली, खतरा बहुत बड़ा है और इससे बचाव जरूरी है, उस पर कुछ और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले चंद्रमोहन भोला साहब हैं फोन लाइन पर हमारे साथ लखनऊ से। चंद्रमोहन साहब स्वागत, आपका सवाल पूछिए। अभी डॉक्टर मोहसिन साहब ने अभी कहा था कि वैसे व्हाइट रंग की तीन चीजें अब न्यू ईयर से बंद कर दिया जाए, एक साल्ट और एक शुगर और एक वर्सिटी। तो जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, साल्ट जो है इंडिया में तीन तरह का आता है, एक तो कॉमन जो आयोडाइज साल्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया बिक रहा है, और दूसरा है रॉक सॉल्ट जिसको काला नमक कहते हैं, और तीसरा है सीधा नमक। तो ये एक तो ये पूछना है कि ये तीनों नमक में क्या, किसी में मैं तो चूंकि मुझे जानकारी नहीं है, एक में पोटेशियम की कंटेंट तीनों में अलग अलग होती है, पोटेशियम बॉडी के लिए नुकसानदायक है, फायदा करता है, इस पे बताइए। और दूसरा, जैसा मैं 68 ईयर्स का हूँ, 68 साल का, मेरा ब्लड प्रेशर यूजली जो है 30-35-40 साल से अपने आप ही कम रहता है, जैसे मान लीजिए 110/65 रहता है मेरा। अच्छा, बाकी मैं एजाइल हूँ, मुझे और कोई खास बीमारी नहीं है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप बताइए कि कौन सा साल्ट मुझे यूज करना है, तीनों के डिफरेंस में जानना चाह रहा हूँ कौन सा ज्यादा हार्मफुल। डॉक्टर वली, कौन सा नमक अच्छा है? बड़ी अच्छी रिसर्च की है इन्होंने नमक पर।
मैं भूते मुझे बहुत खुशी हो रही है, शायद आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं नमक के बारे में। मैं टोटल नमक की बात कर रहा हूँ और मैंने उसमें कह दिया वाइट वाला सॉल्ट जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके अलावा जिन दो सॉल्ट्स की आपने बात की वो अच्छे हैं। सेंधा नमक हम लोग भूल गए यूज़ करना, जो जिसको हम लाल रंग का या सेंधा नमक कहते हैं, जो हल्का पिंक कलर का होता है, लाहौरी नमक भी उसको कहते हैं, वो ज़्यादा मुफीद है। और ये प्योरिटी की वजह से है ऐसा, प्योरिटी इम्प्योरिटीज उसमें कम होती हैं। और जहाँ तक पोटेशियम का सवाल है, पोटेशियम शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आयन है जी। लेकिन जिन लोगों की गुर्दा खराब है सिर्फ उनके लिए ये ज्यादा हानिकारक है। सॉल्ट का इंटेक जो है, मेरे घर पे ब्लड प्रेशर के एक बहुत बड़े डॉक्टर आए थे अमेरिका से, तो मेरे घर में बहुत कम नमक डालती है मेरी वाइफ। तो जब उन्होंने मेरे साथ खाना खाया तो उनका आपके यहाँ नमक बहुत खाया जाता है, तो दिस वाज एन आई ओपनर फॉर मी कि कितना कम हम लोगों को नमक खाना चाहिए जी। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नमक की क्वांटिटी को रेगुलेट करें और जो भी अवेलेबल बेस्ट क्वालिटी का नमक है वो यूज़ करें। और नमक ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है जी। और नमक सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए समुंदर में होता है, पेड़ पर नहीं लगता है। तो नमक का इस्तेमाल भी ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड एज में हम ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं डे टू डे इमरजेंसीज में जिनको सॉल्ट कम हो जाता है। तो ये कहना कि सॉल्ट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए ये भी गलत है, और ये कहना कि सॉल्ट जो है ज्यादा खाना चाहिए ये भी गलत है। तो मॉडरेशन के साथ एवरेज 2 ग्राम पर डे, 2.5 ग्राम पर डे हेल्दी आदमी का कंजम्पशन सॉल्ट का होना चाहिए, और इसका बहुत आसानी से हम अंदाजा लगा सकते हैं जी। और ये भी जरूरी है कि जो खाने में नमक डाला जाता है उसके साथ जो टेबल सॉल्ट यानी सैलेड के ऊपर पापड़ अचार चटनी के रूप में जो नमक लिया जाता है उसकी मात्रा भी कम की जाए। डॉक्टर अशोक सेठ, जब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ की, तो सबसे पहले इस खतरे को समझें कि अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से या फिर किसी और वजह से ठीक नहीं रहता तो कितना बड़ा खतरा या नुकसान होगा उसके लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए। राइट, ये तो समझने की बात है। मैंने वैसे ही कहा था कि अब 30 ईयर्स से यंग हमारी 50% पॉपुलेशन है, 10% इंसिडेंस या प्रेवलेंस है हार्ट डिजीज की, ये 25-30% हो जाएगी 10 सालों बाद जी। मतलब आप ये सोचिए, खुद ही सोचिए कि इस टाइम पे किसी न किसी व्यक्ति को आप जानते होंगे या आपका कोई रिश्तेदार होगा या कोई फैमिली में ही किसी को होगा जिसको हार्ट डिजीज हो चुकी है या उसको हार्ट अटैक हो चुका है या उसको बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। इतनी करीब है ये आपके पास कि किसी दिन आपको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। जब हमें पता ही है कि हम इस रोग से कभी भी पीड़ित हो सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी आसान नहीं होती है, वेरियस सेंटर्स में जाना पड़ता है, कहीं एंजियोग्राफी करानी पड़ती है, एंजियोप्लास्टी होती है, बाईपास सर्जरी होती है, महंगी महंगी दवाइयाँ होती है, हार्ट डैमेज हो जाता है, लाइफ का रिस्क हो जाता है, हमारी लाइफ छोटी हो जाती है। इन अ सेंस जब इतनी ही भयानक रोग हम फेस कर रहे हैं तो क्यों ना हम प्रोएक्टिव हों, क्यों ना हम प्रिवेंशन करें उसकी। असल में हम लोग इसलिए नहीं प्रिवेंट करते कि हम प्रोएक्टिव नहीं रहते हैं। एज ए नेशन ऑल्सो हम काउंटर एक्टिव हैं, भी चोरी किसी और के घर होगी हमारे यहाँ तो होगी नहीं, हम हेलमेट्स नहीं पहनते हैं जब तक कि रेगुलेशन ना आए क्योंकि हम सोचते हैं कि हम गिर के हमारे सर तो फट ही नहीं सकता। एक्चुअली इट इज़ टाइम टू रियलाइज, और मैं ये बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि मेजर्स बड़े सिंपल होते हैं प्रिवेंशन के लिए। अब देखिए हार्ट डिजीज़ जो कि सबसे भयानक रोग है जिससे कि कोई ना कोई सफर ही कर रहा है हमारे चारों तरफ, उसके प्रिवेंशन की क्या बात है। अगर आप सोचते हैं रेगुलर एक्सरसाइज, रोज 30 मिनट व्यायाम, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप घर के अंदर कर सकते हो, काम पे जाते हुए कर सकते हो, आप जहां काम करते हो वहीं पे स्टेयर्स होती हैं 3-4 फ्लोर अप एंड डाउन 15 मिनट कर सकते हो, आपको टाइम मिलता है चाय और समोसे खाने का, बीच में चाय और समोसे न खा के उसमें व्यायाम कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर मैं एक किताब को ही अपने बार 15 बार 20 बार यूं हिलाऊं और दोनों हाथ से हिलाऊं तो मेरी एक्सरसाइज हो रही है। हम कहते हैं कि खाना सिंपल फूड, हम सोचते हैं वो बीमारों का खाना है, बट एक्चुअली वेजिटेबल्स और ग्रेन्स और ब्राउन आटा और बाजरा ये सब चीज़ें तो हेल्थ के लिए अच्छी हैं, यही गाँव में खाई जाती हैं। इनफैक्ट हम कहते हैं कि फ्राइड फूड खाए, बाहर का खाए, वही तो हमारे लिए खराब है। Obesity, ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको हटाएं, ये बड़ी आसान चीज है। मैं कहता हूँ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, आप अपने आप स्मोक कर रहे हो
वो छोड़ो, बट आपके साइड में भी स्मोक कर रहा है वो भी आपको हानिकारक हो सकता है, वो भी आपको हार्ट डिजीज दे सकते हैं। इनफैक्ट घर में स्मोकिंग, वर्क प्लेस में स्मोकिंग बैन हो जानी चाहिए। आपको तो ये हो जाना चाहिए कि कोई और स्मोक कर रहा है तो उसको जाके कहें कि आप स्मोकिंग ना करें, क्योंकि आप चारों तरफ हार्ट डिजीज फैला रहे हैं, कंटेजियस कर रहे हैं। तो अगर आप ये सब कुछ देखते हो कि स्ट्रेस रिलीफ, मेंटल हेल्थ, सोशलाइजिंग, पूरा सोना, तो आप ये देखोगे जो मैंने बातें कही हैं वो आपका रोज के दिन पैसे बचा रही हैं। यही नहीं कि प्रिवेंशन हो रही है और बाद के पैसे बचा रही हैं, आपकी ये सिंपल लिविंग में तो आपके रोज के पैसे ही बच रहे हैं और आप दिन ब दिन बेटर हो रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो। सो एक ये एटीट्यूड लाना अब बहुत ज़रूरी है। ये नहीं सोचना है कि हमें तो शायद आएगी नहीं, मैं तो अच्छी लाइफ लीड कर रहा हूँ। एक और बात बहुत जरूरी कहूंगा दर्शकों के लिए, क्योंकि ये होता है, हम कहते हैं कि जी फ्राइड फूड ना खाएं, सादा खाना खाएं, सब्जियां ज्यादा खाएं, ग्रेन ज्यादा खाएं, तो अक्सर हार्ट लोग ये हार्ट डिजीज होने के बाद ये सब चीजें लाते हैं, कहते हैं जी अब मैंने एक्सरसाइज शुरू की, मैंने अब स्मोकिंग छोड़ दी, मैंने अब तो खाना शुरू कर दिया। और इनफैक्ट फैमिलीज में ये भी होता है कि उस बेचारे को जिसकी हार्ट डिजीज हुई है उसको ये खाना दिया जाता है जो हेल्दी फूड हम समझते हैं, और बाकी सब अपना रेगुलर खाना, फ्राइड फूड वगैरह, पकौड़े, समोसे, सब कुछ खाते रहते हैं, पूड़ी वूड़ी सब खाते रहते हैं। और फिर जब पेशेंट आता है तो कहते हैं कि इनका लिए तो कर दिया, वो कहता है मेरे को तो कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा। और हम एम्फसाइज करते हैं कि ये नहीं, ये पूरी फैमिली को यही करना चाहिए, यही एक हेल्दी लिविंग है। अब आप हार्ट अटैक डिजीज, हार्ट डिजीज होने के बाद, हार्ट अटैक होने के बाद ला रहे हो, ये चीज आपको 15 साल अगर पहले ले आते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। जी, तो बहुत जरूरी है कि जो आपका एटीट्यूड है उसमें बदलाव करें, हेल्दी चॉइस बनाएं जीवन में, जिससे जो बीमारियां हैं उनसे बचाव हो सके। डॉक्टर राजेश सागर, आपने एक बात कही थी कि अक्सर जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो जाहिर तौर पर सर में दर्द है, चेस्ट में दर्द है या कोई और लक्षण है तो डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन जब मानसिक समस्याओं की बात होती है तो या तो व्यक्ति को लक्षण होता ही नहीं या फिर वो समझ नहीं पाता, क्योंकि जो लक्षण होते हैं वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं होते। तो फिर कोई कैसे समझे कि उसको मानसिक समस्या शुरुआत हो गई है? नहीं, सही कहा, इसको बताना बहुत जरूरी है विस्तार से कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या, क्योंकि हमने स्वास्थ्य की परिभाषा बताई। मानसिक स्वास्थ्य अगर देखें उसमें जो है चार चीजें हैं, एक तो वो व्यक्ति जो अपने पोटेंशियल को समझे, दूसरा वो डे टू डे स्ट्रेस से दूर रहे, तीसरा वो हु वर्क्स फ्रूटफुली, एंड नंबर चार जो है वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करे, सोसाइटी, समाज के लिए। तो आप देखें इस परिभाषा के अंदर बहुत चीजें सम्मिलित हो गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आपको मानसिक बीमारी नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है जहाँ पे आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, आप अपनी क्षमता को पहचान रहे हैं। और स्ट्रेस, जहाँ के स्ट्रेस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका जो लिंक है वो फिजिकल इलनेस के साथ भी है। अगर आप डायबिटीज के लिए भी जाएंगे या हार्ट डिजीज के लिए भी जाएंगे और किसी भी चीज के लिए जाएंगे, डॉक्टर हमेशा कहेंगे अपना अपने आप को स्ट्रेस से दूर रहें। स्ट्रेस कम नहीं होता है, अपने आप को सक्षम बनाना होता है कि स्ट्रेस से हम अपने कोप कैसे करें, उसे लड़े कैसे और कैसे उसको ठीक लेवल पे उसको रखें। तो ये होगी मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा। मानसिक बीमारियां वो है जो बीमारियां जो है आपके थिंकिंग, इमोशन, बिहेवियर से रिलेटेड हैं, वो बीमारियां हो गई। अब दोनों में लिंक कहने का मतलब ये है कि मैं पॉजिटिव बात, अगर जिस व्यक्ति को मानसिक बीमारी है वो अपना पॉजिटिव मेंटल हेल्थ भी रख सकता है। कहने का मतलब है कि वो रेगुलर अपनी दवाइयां ले, डॉक्टर के पास जाए, अपना नियमित रूप से व्यायाम करे, लाइफस्टाइल अपने ठीक रखे, तो उसका पॉजिटिव मेंटल हेल्थ भी रह सकता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि क्योंकि जैसे हमने पहले कहा कि इसको पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि अक्सर व्यक्ति क्या होता है मानसिक बीमारी को बीमारी नहीं समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, वो काम पे नहीं जा रहा है या उदास है, तो लोग कहते नहीं ये आजकल स्ट्रेस से गुजर रहा है, इसको बहाना मार रहा है, हम इसको ऐसा है कि हम इसको घुमाने ले जाएंगे शिमला, और हालांकि वो इम्पोर्टेंट है बट वो इसका इलाज नहीं है। कहने का मतलब है कि फिजिकल इलनेस, जिसी को बुखार है, खांसी है, पेट में दर्द है, तो उसको एक बीमारी माना जाता है, लेकिन मानसिक बीमारी को बीमारी नहीं मानते हैं। उसको ये समझते हैं कि ये ऐसा ही, क्योंकि इसकी समझ बहुत कम है। क्योंकि जहां बात करते हैं हेल्थ लिटरेसी की, कहने कितनी मुझे जानकारी है, जैसे
विकसित देशों में हेल्थ लिटरेसी बहुत ज्यादा है, वो जानते हैं, लेकिन और उसमें देखें कि हमारे देश में हेल्थ लिटरेसी भी कम है और मेंटल हेल्थ लिटरेसी तो और भी कम है कि उन्हें पता ही नहीं अगर जाना भी है तो किस डॉक्टर से इलाज कराना है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल OCD एक बीमारी है जहाँ पे आप कोई काम बार बार करते हो, उन्हें पता ही नहीं कि ये बीमारी है पहली बात तो, और दूसरा अगर है भी तो किस डॉक्टर के पास जाना है। तो बहुत क्योंकि और कई बार ऐसा होता है कुछ जैसे आपका दर्द है, आपको नो हेडेक है, पेट में दर्द है, बदन में दर्द है, तो आप डॉक्टर के पास फिजिकल हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए आप जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सब नॉर्मल आते हैं, अल्टीमेटली देखते हैं कि उसमें सिर्फ डिप्रेशन ही है। डॉक्टर सागर माफ कीजिएगा यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, एक फोन है, वो कॉलर क्या जानना चाह रहे हैं सुन लेते हैं। सौरभ जी कोलकाता से हमारे साथ फोन लाइन पर, सौरभ जी स्वागत है आपका, सवाल पूछे। मेरा प्रश्न है कार्डियक अरेस्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं, इसके जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और कार्डियक अरेस्ट से बचाव के लिए किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच। बचाव के बारे में हमारे विशेषज्ञ ने बताया है और आपके जो दो सवाल हैं उन पे भी कुछ राय लेते हैं। डॉक्टर अशोक सेठ क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? जी हाँ, तो एक कार्डियक अरेस्ट तो एक बहुत बड़ा टर्म हुआ जिसमें कि किसी को सडनली हार्ट उसका रुक गया, उसके कई कारण होते हैं, बट सबसे चर्चा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कारण उसका हार्ट अटैक होता है। किसी को सडनली हार्ट अटैक आता है तो 10% लोग तो कार्डियक अरेस्ट में इमीडिएटली चले जाते हैं। अब कार्डियक अरेस्ट का बचने का सबसे बड़ा कारण है कि हार्ट अटैक से बचे। और जो मैंने आपको प्रिवेंशन की बातें बताई थी, इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि अगर तो हम सब रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल कर लेते हैं, स्मोकिंग बंद कर देते हैं, अल्कोहल इन मॉडरेशन लेते हैं, डायबिटीज हाइपरटेंशन का ख्याल रखते हैं, ओवरवेट नहीं होते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो सोचिए हमारी 50% डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक हम बच सकते हैं, 50% डिक्रीज जो कि कोई दवा नहीं करती। सिर्फ एक्सरसाइज अगर आप लें कि रोज की नियमित रूप से 50-40 मिनट वॉक करें एट 5 days a week, ब्रिस्क पेस जिसमें कि आपका सांस इतना फूले कि आप एक सेंटेंस बोल सकते हो बट इतना न फूले कि आप बात ही नहीं कर सकते, उससे आपके हार्ट अटैक के रिस्क 20% कम हो जाते हैं। कोई दवाई आपके 20% रिस्क नहीं कम कर सकती। तो एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट या समझ लें या हार्ट अटैक समझ लें, उससे बचना तो आपके हाथों में नहीं, आपके पैरों में है। और नियमित रूप से आप ये करें, बट रेगुलर चेकअप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी हम चर्चा करेंगे आगे आके कि रेगुलर चेकअप से क्या अचीव हो सकता है और हम कार्डियक अरेस्ट से बच कैसे सकते हैं। जी इसी बात ये हुई जो मैं अभी समझा दूंगा जो हम चर्चा नहीं करेंगे कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो वो तो खुद नहीं बच सकता, वो तो सिर्फ प्रिवेंशन से बच सकता था कि उसे अटैक ना आए, बट जो अटैक आया है तो बायस्टैंडर अगर उसके साथ में कोई खड़ा है वो उसे उसकी जान बचा सकता है। और उसके लिए हम चाहते हैं कि हर पब्लिक को बेसिक CPR, जिसका मतलब बेसिक किस तरह से किसी को बचाना है जिसको कार्डियक अरेस्ट हो जाए, जो आपके सामने कोलैप्स कर रहा है, वो जरूर सीखना चाहिए, वो जरूर आना चाहिए और उसकी एक हम अलग ही प्रोग्राम शायद करेंगे। जी जाहिर तौर पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दिग्विजय, जिन्होंने हमें कॉल किया है हरियाणा से। दिग्विजय साहब स्वागत आपका, सवाल पूछे। जी मेरा 96 किलो वेट है। जी 6 तो हाइट है मेरी। हाँ जी। और 12% बॉडी फैट है, तो क्या मैं ओबेस में आता हूँ क्या? डॉक्टर वाली क्या ये ओबेस हैं? ओबेसिटी में आते हैं, बल्कि मैं अभी सोच रहा था जब आप प्रिवेंशन की बात कर रहे थे कि दो बड़े आसान तरीके हैं प्रिवेंटिव हेल्थ के। एक तो अपना जो पिछले 1-2 साल पुराना सूट है, अगर हमें वो टाइट हो गया है, उसकी वेस्ट टाइट हो गई है, बेल्ट टाइट हो गई है, उससे पता लग जाएगा कि हम सेहत की ओर नहीं बढ़ रहे। दूसरा, बाथरूम में एक वेइंग स्केल अगर हम रख लें, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, तो उससे हमको पता लग जाएगा कि हम वेट तो नहीं अपना गेन कर रहे। दो चीज़ें। तीसरी चीज़, हम स्लीप की अभी बात कर रहे थे बाहर बैठे हुए, तो स्लीप के बारे में भी मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि टोटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें स्लीप का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ये तो अपना वेट का मैनेजमेंट कर सकते हैं खाने को कंट्रोल करके। खाने की जब लोग मुझसे बात करते हैं, और जैसे डॉक्टर सेठ बता रहे थे तला हुआ, ये वर्ड में मुझे बड़ी एलर्जी सी हो गई है इतनी उम्र में आके। मतलब एक हार्ट का पेशेंट जिसका हार्ट 20% काम कर रहा है
वो दवाएं खा रहा है, उसको स्टैंड डल चुका है, वो मोटा है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा है, उसकी बीवी जब मुझसे पूछती है कि खाने में तला हुआ खा सकते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तला हुआ बना क्यों रहे हैं आप? पहली तो बात, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि हमारे घर में वो खाना बनना चाहिए जो हेल्दी है। अगर ये हेल्दी खाना खा रहे होते तो इनका वेट 96 की जगह ये 96 के इधर आ जाता, 69 होता। तो ये जो वेट की फेरी है और वजन की फेरी है और बीमारी की फेरी है, इसको हम बहुत आसानी से रिवर्स कर सकते हैं अपने खान पान पर ध्यान रख के, अपनी स्लीप पे ध्यान रख के। और एक और भी चीज़ है, एक्सरसाइज से बोन हेल्थ की हमने अभी तक बात नहीं की है। लेडीज में इसका बड़ा रिस्क है और नेचुरली 75 साल के बाद फ्रैक्चर रिस्क बहुत हाई हो जाता है और बोन हेल्थ से भी बहुत से कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर भी हो सकते हैं, फिजिकल मेंटल और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो हमने टोटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये दो चीज़ें, वेइंग स्केल इन द वॉशरूम बाथरूम और दूसरा अपने कपड़ों का ध्यान के वो टाइट तो नहीं हो रहे हैं। जी, तो दो मार्कर्स हैं जिससे पता चल जाएगा कि वाकई क्या वजन बढ़ रहा है या नहीं। डॉक्टर राजेश सागर, आप लक्षणों की बात कर रहे थे, कैसे कोई व्यक्ति पहचाने या उसके आसपास के लोग कि इसे मानसिक समस्या की शुरुआत हो रही है और इसे खतरा है? बहुत आसान है इसको समझना। देखिए, जब प्रिवेंशन की बात करते हैं तो एक जो यूज़ करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और टर्शरी। कहने का मतलब है, प्राइमरी तो वो हुआ जो बीमारी आने ही नहीं दी हमने, और जो सेकेंडरी प्रिवेंशन का बहुत बड़ा रोल है। कहने का मतलब है, उसमें क्या होता है कि जो लक्षण है अगर आपने पहचान लें, उसको जान लें और उसको सही वक्त पर इलाज कराएं, तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको हम काफ़ी हद तक उसको रोक सकते हैं। क्योंकि हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर बीमारी हो गई ये ना सोचो इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब प्रॉपर इलाज कराएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो वो सब चीज़ें जो है ठीक हो सकती हैं। अब लक्षण क्या क्या होते हैं, बड़े सिंपल हैं। जैसे बिहेवियर मानसिक बीमारी के, अगर उसका बिहेवियर में बदलाव आ गया, वो चुप हो गया है आजकल, जो पहले ठीक था, अपने आप में है, कमरे में बंद है, बाहर इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, या ऑपोजिट हो गया है, जहाँ पे पहले वो चुप था जो उसकी प्रवृत्ति थी, अब वो सबसे मिल रहा है, एक्स्ट्रावर्ट हो गया है, या उसके नींद में प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि नींद का एक बहुत बड़ा लक्षण है साइकियाट्रिक इलनेस के साथ। जहाँ नींद कम हो जाए तो हो सकता है कि वो पहला लक्षण हो एक मानसिक बीमारी का। और हो सकता है कि मन चिड़चिड़ा रहे, मन की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, मन उदास रहे, घबराहट रहे, डर लगे, ये भी हो सकता है। और बिहेवियर जहाँ पे लगे कि कोई भी काम पे जाना उसने बंद कर दिया है, लोगों से मिलना बंद कर दिया है, तो ये अगर चेंज आ जाए किसी भी बिहेवियर में या उसकी सोच में, या उसको लगे कि जीवन में अब कुछ नहीं रखा मेरे लिए, मैं बेकार है, अंधकार है मेरा जीवन, तो ये जो सोच में बदलाव आ जाए या उसके इमोशनल जो है इमोशन में बदलाव आ जाए, तो समझ सकते हैं कि ये मानसिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको उसी वक्त में अगर आप उसको पहचान लें, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे हम इसको डिले करते हैं, क्योंकि हम इसको समझते नहीं हैं और सब बाकी जो कहते नहीं ये सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर से हम डिस्कस नहीं करते हैं। और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक बीमारियाँ लोग समझते हैं कि मुझे नहीं हो सकती है, ये किसी और की है, पड़ोस की है, मुझे नहीं हो सकती है। बताना बहुत जरूरी है कि लाइफ टाइम हमारा रिस्क मानसिक बीमारी का बहुत ज्यादा होता है। WHO कहता है 1 in 4 पीपल, और 20% आप कह सकते हैं। तो कहने का मतलब इट्स अ वेरी कॉमन इलनेस। और दूसरा ये है कि इसका जो प्रभाव है बहुत ज्यादा है, आपके रिलेशनशिप में इसका प्रभाव है, आप जहाँ काम करते हैं उसका प्रभाव है। क्योंकि आप समझिए, जिस व्यक्ति को मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक प्रॉब्लम है, वो काम करने में सक्षम नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी, छुट्टी लेगा, काम पे नहीं जाएगा, तो एक प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है समाज की या इवन पूरे देश की। मतलब नेशन, ये कहते हैं आंकड़े हैं कि $1 trillion, मतलब इसमें अगर किसी को मानसिक बीमारियां हैं उसका नुकसान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब अगर इसको सही वक्त पे हम पहचान लें, इसका सही वक्त पे इलाज करें, तो ये भी एक प्रिवेंशन है। और एक और चीज जो है, एक यूनिवर्सल प्रिवेंशन में जहाँ पे पूरी समाज को हम कंट्रोल, मतलब ऐसे तरीके होते हैं। दूसरा होता है, हम कहते हैं कि जहाँ पे इंडिकेटेड प्रिवेंशन का मतलब ये है कि आपको लगता है कुछ लक्षण है मगर वो पूरी तरह बीमारी नहीं हुई है, तो वहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है सिलेक्टेड प्रिवेंशन का मतलब ये है कि जहाँ पे कोई हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे परिवार में कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है या डिजास्टर जहाँ हुआ है या कोई ऐसी चीज हुई है, वहाँ मानसिक बीमारियां हो सकती है, तो वहाँ पहले से ही स्ट्रेस रिडक्शन एक्सरसाइज है, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम उसको रोक सकते हैं। जी, तो जरूरी है कि अगर मानसिक समस्या या फिर कोई शारीरिक समस्या भी हो रही है
तो उसके लक्षणों की तुरंत पहचान हो जाए और जल्द से जल्द उसका जो उपचार है वो व्यक्ति को मिल पाए तो काफी हद तक बचाव हो सकता है और समस्या से भी बचा जा सकता है। फिलहाल जयपुर से विजया जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। विजया जी स्वागत आपका, क्या जानना चाहती हैं आप? जी मैं जयपुर से बोल रही हूँ। जी मेरा बेटा 30-32 साल का है, ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, होशियार है जी, हर चीज में होशियार है, लेकिन वो एक जगह लग के नौकरी नहीं करता है, या तो निकाल दिया जाता है या छोड़ देता है। कम से कम 10-12 जगह कर चुका और किसी से मिलता जुलता भी नहीं है जी। ऑफिस से घर आता, कमरे में घुसा रहता है बस। हाँ डॉक्टर राजेश सागर, बहुत सारे लक्षण तो जो आपने बताया शायद है। जी डॉक्टर राजेश सागर आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल सही कहा, जैसे अभी हम चर्चा इसी कर रहे, विजया जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और ऐसे बहुत व्यक्ति हैं। और ये भी हम बताना चाहेंगे कि अगर कोई जनरल प्रैक्टिशनर 100 मरीज देख रहा है तो 30% जो है साइकियाट्रिक इलनेसेस के मरीज होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे उन्होंने कहा मिलता जुलता नहीं है, अकेला रहता है, तो ये बिहेवियर में बदलाव आ गया है, हो सकता है उदास रहता हो सकता है उसको डिप्रेशन हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसको पहचान ले हम और इसका ट्रीटमेंट, हमें कहूंगा 100% संभव है, पूरी तरह से। अब बिल्कुल अगर ये प्रॉब्लम है तो अपने निकटतम एक अपने फैमिली डॉक्टर से मिल लें, और अगर बाकी लक्षण भी हैं, नींद कम है, उदासी है, या उसको लगता है मेरी एनर्जी खत्म हो गई है, मुझे थकावट है, तो ये सारे लक्षण एक अवसाद के या डिप्रेशन के हो सकते हैं, और एकाग्रता नहीं हो रही है, या आपको सेल्फ हार्म का थॉट्स आते हैं, या आपको लगता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं रखा मेरे लिए, तो हो सकता है कि ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ इसकी दवाइयां हैं और कुछ बिना दवा के भी कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, अगर स्ट्रेस में है तो वो भी डिस्कस किया जा सकता है और वो भी दूर हो सकता है और पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। मेरा विजय जी से यही सुझाव है कि इनका बेटा अगर ये प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से मिलें और उसको पूरी तरह से उसका इलाज कराएं उसका। डॉक्टर अशोक सेठ हमारे कॉलर थे जिन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसी जांच है जो करवाई जा सकती है, खास तौर पर ये पता करने के लिए कि किसी व्यक्ति का हृदय या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कितना स्वस्थ है या खतरा कितना ज्यादा है, कौन से चेकअप्स रेगुलर तौर पर और किस उम्र से करवाने चाहिए? राइट किरण जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं और मैं चेकअप कहूंगा सिर्फ प्रिवेंशन के लिए नहीं है, क्योंकि 10% जो चेकअप में बीमारियां निकलती हैं वो इतनी एडवांस स्टेज पे होती हैं कि उनकी डैमेज हो चुका है हार्ट का, सब कुछ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम हो चुकी है जी, हार्ट इररिकवरेबल हो गया है, लाइफ कम हो गई है, और प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उन्हें ट्रीट करना। 10-15% तो सोचो वो ट्रीटमेंट के भी बियॉन्ड चले गए और वो रूटीन चेकअप में पाया जाता है। सो रूटीन चेकअप सिर्फ प्रिवेंशन के लिए नहीं है, एक्चुअली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए भी है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रूटीन चेकअप से ही वो सिचुएशन हैंडल हो सकती है जो कि 10 साल 15 साल बाद परेशानियों में ना बदले जी। और हम अक्सर देखते हैं कि किसी फादर को प्रॉब्लम हो रही है, उनको हार्ट डिजीज हो चुकी है एट द एज ऑफ 60, बट जो जिस 25, 30 साल 40 साल वाले लड़कों ने अपना चेकअप ही नहीं कराया और उनको भी हार्ट अटैक हो जाता है, तो हम पूछते हैं कि यार 17 साल पहले जब फादर को प्रॉब्लम हुई थी तो अपना चेकअप क्यों नहीं कराया, तो वो एकदम देखते रह जाते, उनकी हार्ट डिजीज बच सकती थी। सो वेरी इंपॉर्टेंट समझने की बात यह है कि प्रिवेंटिव चेकअप जो होना चाहिए, और हार्ट के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, जिसको हार्ट डिजीज फैमिली में है उसको तो 20 साल की उम्र में, अगर फादर मदर या उनके क्लोज रिलेटिव्स में हार्ट अटैक हो चुका है, और स्पेशली हम कहते हैं कि अगर यंग एज पे हुआ है जो कि 60 साल की कम उम्र में अपने रिलेटिव्स में हुआ है, तो 20 साल की उम्र से वो चेकअप शुरू हो जाना चाहिए, जिसमें कि आपके ब्लड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट और इवन स्ट्रेस TMTs हो जाने चाहिए, और वो अगर नेगेटिव है तो हर 5 साल 40 साल की उम्र तक, और 40 साल की उम्र के बाद तो हर साल एक पूरा चेकअप जो कि एक बॉडी चेकअप कहलाता है, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल चेकअप इंक्लूडेड होता है और स्ट्रेस टेस्ट जिसको TMT कहते हैं, हर साल हो जाना चाहिए। जिन लोगों को फैमिली में ही हाई कोलेस्ट्रॉल की लेवल चल रही है उनके तो बच्चों को 10 साल की उम्र में ही ब्लड टेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया एक ऐसी चीज है जो कि बहुत अर्ली एज पे हार्ट डिजीज कर देती है और एक फैमिली में बड़े विशियस तरीके से रन करती है। तो ये जो चेकअप्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जी। और जो रिस्क, स्पेशली जो रिस्क पे तो है ही, उनको और फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। जैसे किसी को डायबिटीज यंग एज पे शुरू हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर यंग एज पे शुरू हो गया है, ओबेसिटी है, ओवरवेट है,
स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, इनके चेकअप्स तो और फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली होने चाहिए। सो सोच लीजिए इन ये बात कि 20 साल की उम्र पे आपके चेकअप स्टार्ट हो जाने चाहिए, रिस्क फैक्टर्स हैं तो फ्रीक्वेंटली होने चाहिए, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो हर 5 साल पे 40 साल तक और उसके बाद ईयरली। डॉक्टर वाली, जब हम पूरे सेहत की बात करते हैं और उन तमाम चीज़ों की बात करते हैं जो हमें सेहतमंद रखेंगी, एनवायरमेंट को साफ रखना, उसे स्वच्छ रखना कितना ज़रूरी और अहम मानते हैं आप हम सभी की अच्छी सेहत? देखिए एनवायरमेंट तो वो चीज़ है ना जिसके बीच में हम रह के सेहतमंद रह सके। कुछ तो हम लोग खुद इसके लिए ज़िम्मेदार हैं और कुछ बढ़ती हुई आबादी इसके लिए ज़िम्मेदार है। पॉल्यूशन इस वक्त एक बड़ा इशू है, ग्लोबल इशू है और हम लोग शायद हमारे छोटे बच्चे उसका सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मेरे घर में भी एक न्यू बॉर्न है जो वो पॉल्यूटेड हवा में वो सांस ले रहा है, मैं सोचता हूँ, मुझे पीड़ा होती है कि इस छोटे से बच्चे ने क्या पाप किया है जो ये दुनिया में आया है और ये गंदी हवा में सांस ले रहा है। तो इसमें हम सबका फ़र्ज बनता है। और दूसरी जो एनवायरनमेंट से हम मुतालिक बात करते हैं उसमें ये कि हेल्दी एटमोसफियर हो हमारे चारों तरफ, तो उसका मतलब ये होता है कि हम सब स्वस्थ हों। अभी तक हम आपके पीछे योगा की शैडो आ रही है मेरी बैकग्राउंड पे, इसको देख के मुझे याद है हमने योगा की बात नहीं की है। तो योगा है, व्यायाम है, एक्सरसाइज है, स्मोकिंग सेसेशन है, वेट मैनेजमेंट है और डाइट कंट्रोल है, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसी का हिस्सा है और ये एक सेहतमंद माहौल का हिस्सा है जिसमें अल्कोहल अब्यूज और ओवर डोजेज और स्मोकिंग और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। रेगुलर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा डॉक्टर बता रहे थे दिल की बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा है, उसमें एक बड़ा रोल हाई ब्लड प्रेशर का भी है। और आम तौर से किसी से आप कहिए आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए तो थोड़ा सा घूर के देखता है कि ये मुझसे डॉक्टर वाली क्यों कह रहे हैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए। और मुझे लगता है जब मैं 100 लोगों को ऐसा कहता हूँ तो उसमें से 2 मैं ऐसे लोगों को पकड़ के दिखाता हूँ कि देखिए आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उनको यकीन दिलाता हूँ कि देखिए आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसी इंस्ट्रूमेंट से उनको अपना ब्लड प्रेशर लेके दिखाता हूँ और कन्विंस करता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट ठीक है और आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उनको कन्विंस करके फिर उनको ब्लड प्रेशर की रोकथाम की बात करते हैं। तो ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटापा, ये सब मिला के जो है इतनी बड़ी बीमारी का चक्रव्यूह है जिससे निकलने का सिंपल तरीका जो हमने शुरू में बताया था, इस स्माइली को हमें कायम रखना है अच्छे आहार से, अच्छे व्यायाम, रेगुलर व्यायाम से और अपनी जो जिंदगी है उसमें अनुशासन लाके, ये सब चीजें पॉसिबल हैं और एक हम अच्छे कल की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत सी बहुत अच्छी बातें हमने सीखी। अभी डॉक्टर सेठ ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, मैं उसको आपसे सीखा मैंने डॉक्टर सेठ ये कि जापान में इंसेंटिव आप बता रहे थे कि दिया जाता है जो लोग ज्यादा सोते हैं क्योंकि उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो हम जो स्लीप डिप्रिवेशन की बात इसीलिए मैं कर रहा था, तो जब तक हम अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं करेंगे, दिनचर्या को अगर हम ठीक कर लेना, टाइम मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट आजकल पढ़ाया जाता है हमको बचपन में, वो मैनेजमेंट उससे अच्छा पढ़ाया गया था कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से तख्ती धोनी, टाइम से क्लास जाना, घड़ियां वड़ियां इतनी नहीं होती थी जब बड़े लोग सब डिसिप्लिन रखते थे बच्चों को, तो वो हम अगर हम अपने प्लान योर वर्क टू वर्क योर प्लान, दिस वाज अ सेइंग आई रेड इन क्लास, प्राइमरी क्लास, तो अगर हम अपनी दिनचर्या को अनुशासित कर लेंगे तो हम शायद एक अच्छे कल की ओर बढ़ सकेंगे। यही मेरा मैसेज है इस प्रोग्राम के जरिए, आपके प्रोग्राम के जरिए। टोटल हेल्थ में ये समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 750 में हमने आपसे सवाल पूछा था कि जिगर के प्रत्यारोपण के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। आपके पास 4 ऑप्शंस थे, सही जवाब ऑप्शन बी, जिगर प्रत्यारोपण में पूर्ण जिगर यानी पूरे जिगर को प्रत्यारोपित किया जाता है, ये गलत धारणा है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये जानने से पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि बीमारियों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए इनमें से क्या उचित नहीं है। ऑप्शन ए, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना। ऑप्शन बी, तनावग्रस्त रहना। ऑप्शन सी, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। या फिर ऑप्शन डी, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते रहना। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं टोटल हेल्थ डीडी न्यूज@gmail.com पर।
आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 750 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर राजेश सागर से। डॉक्टर सागर, इन सभी करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं। अभिषेक कुमार, बिहार। अभिषेक जी, बहुत बधाई, आप बन गए एपिसोड 750 के लकी विनर। और अब स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड, यानी छोटे छोटे सवाल और बहुत छोटे छोटे जवाब। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अशोक सेठ आपसे, सेहत की चिंता उन्हें ही करनी चाहिए जो बीमार है? बिल्कुल नहीं, ये पूरा प्रोग्राम इसी के लिए है कि सेहत की चिंता हर एक को करनी चाहिए, हर एक को ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर राजेश सागर, मानसिक समस्याएं उन्हें होती हैं जो ज्यादा सोचते हैं? जरूरी नहीं है, लेकिन जो ज्यादा सोचते हैं उनको प्रॉब्लम ज्यादा चांस है। डॉक्टर वाली, अगर रोग का कोई लक्षण नहीं है, कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है, तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाएं? स्वस्थ रहने के लिए, ताकि कल को रोग ना हो ना, ताला हम इसलिए लगा के सोते हैं ताकि चोरी ना हो। जी डॉक्टर अशोक सेठ, हृदय रोग सिर्फ मोटे लोगों को ही हो सकता है? जी नहीं, हृदय रोग हर को हो सकता है। वैसे ही हिंदुस्तान में हृदय रोग 10% लोगों को है ही, और जो फैमिली हिस्ट्री है जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं उनको ज्यादा होता है, बट हर एक को हो सकता है, इसलिए उससे बचना बहुत जरूरी है, उसको प्रिवेंशन मिलाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सागर, मानसिक समस्या में चुप रहना एक लक्षण माना जाए, चिड़चिड़ा होना या बहुत ज्यादा बोलना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। उसके अलावा भी लक्षण होते हैं जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, कोई भी बिहेवियर में चेंज आ जाए तो समझ सकते हैं कि ये लक्षण है। डॉक्टर वाली, जो लोग पतले होते हैं या जिनका वजन कम होता है वो बीमार नहीं पड़ते, क्या ये सही है? कुछ हद तक सही है, लेकिन खाली पतला होना बीमारी की वजह से भी हो सकता है, जैसे कुछ थायराइड डिसऑर्डर्स में बहुत कॉमनली होता है, टीबी में होता है, कैंसर में होता है, तो पतला रहना अच्छा है, लेकिन बीमारी के साथ पतला रहना बीमारी। डॉक्टर अशोक सेठ, उच्च रक्तचाप की पहचान करना बेहद आसान है, क्योंकि जिसका बीपी हाई रहता है उसे गुस्सा बहुत आता है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, बीपी इज अ साइलेंट किलर। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको हाई बीपी है, और नुकसान होता रहता है, डैमेज होता रहता है, और बहुत लेट स्टेज पे पता चलता है, इसलिए बीपी तो रेगुलरली चेक कराना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर सागर, यदि स्ट्रेस नहीं लिया तो फिर समय से काम कैसे पूरा होगा? कुछ हद तक स्ट्रेस जरूरी है, जिसको यू स्ट्रेस कहते हैं, और लेकिन यही स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हमें परेशान कर सकता है बाद में। डॉक्टर वाली, मोटा होना स्वस्थ होना है या फिर पतले रहना? पहले जमाने में माना जाता था भाई हर्षपुष्ट है, मोटे ताजे हैं, लेकिन अब तो ये स्टिग्मा बन चुका है, तो इसलिए रेगुलर व्यायाम के साथ, हेल्थ के साथ हेल्दी रहना अच्छा है। मोटा या दुबला होना दोनों एक्सट्रीम्स हैं जी। इसका जो औसत वजन आइडियल वेट के साथ खुश रहें और हेल्दी रहें, तो यही मैसेज है जी। डॉक्टर अशोक सेठ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? स्मोकिंग, ओबेसिटी जी। मतलब सबसे बड़ा तो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, बट स्मोकिंग 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 छोड़ने से ही 35% to 40% हार्ट अटैक का रिस्क इमीडिएटली कम होता जी, इसलिए सब स्मोकिंग कम। डॉक्टर राजेश सागर, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है तो मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, इसलिए उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं, ये बात सही है कि शारीरिक स्वास्थ्य रहने से मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें तो कॉमन है, जैसे एक्सरसाइज हो गया, स्मोकिंग दूर रहे, अल्कोहल से दूर रहे, और लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रिक्रिएशन, लोगों से मिलना, एक जो शब्द है जो अक्सर हम भूल जाते हैं, प्रो सोशल बिहेवियर, लोगों की हेल्प करना, वॉलंटियर करना, उनके साथ मदद करना उनको, ये भी अपने आप को खुश रखता है। देखिए अल्टीमेटली अपने आप को खुश रखना है, मानसिक स्वास्थ्य वो है, मैं अपने आप से कैसे खुश हूँ, कैसे मैं अपने आप को खुश रख सकता हूँ, तो मानसिक समस्या से दूर बचाव के लिए सारी चीजें अगर करें तो काफी हद तक उससे आप बच सकते हैं। डॉक्टर वाली, क्या मल्टी विटामिन्स और सप्लीमेंट्स लेना स्वस्थ रहने का सबसे सरल और आसान तरीका है? नहीं, ये तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन का तरीका है कि हम जो चाहे करें मल्टी विटामिन खा लें। मैं तो कहता हूँ आप फल खाइए, मल्टी विटामिन की जरूरत ही नहीं है, और उसके साथ जो डिसिप्लिन है डे टू डे वो उसको बरकरार रखें, दैट इज बिगेस्ट मल्टी विटामिन जी। इसी संदेश के साथ बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी विशेषज्ञों का इस तमाम जानकारी के लिए।
तो संतुलन, अनुशासन और नियम, ये तीन स्तंभ हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। खतरा बड़ा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे खतरे हैं, इसलिए इस बात का इंतजार ना करें कि जब बीमार होंगे तब डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर इलाज में खर्च में जो है अपना सारा पैसा जो कमाया है, जिसे कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य कमाया उसके लिए ही उस पैसे को इलाज के लिए और अपने स्वास्थ्य को वापस ठीक करने के लिए आप गवा देंगे। इसलिए सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, जानकारी रखिए और साथ ही समय समय पर विशेषज्ञों के साथ जो है परामर्श लेते रहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस नए साल की शुरुआत में आप एक संकल्प जरूर कीजिए कि इस साल में कुछ ऐसी आदतों को अपनाएंगे जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और जो रोगों की संभावना है वो कम होगी। आज के लिए टोटल हेल्थ में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।